नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का नाम जुबां पर आते ही संपूर्ण वातावरण पवित्र हो जाता है और विचारों में सकारात्मकता आने लगती है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में कृष्ण ही एक ऐसे अवतार हैं जो 16 कलाओं में परिपूर्ण थे, जिन्होंने संपूर्ण मानव समाज को कर्म योग का पाठ पढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे मार्गदर्शक होने के साथ साथ परम गुरु की भूमिका भी अदा करते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो शिक्षाएं दी हैं, वो आज भी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता कृष्ण जन्म उत्सव पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम गाथा श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने एक सच्चे मित्र और गुरु की तरह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का न सिर्फ मार्गदर्शन किया बल्कि गीता का महान उपदेश देकर संपूर्ण जगत को कर्म योग की महत्वता भी बताई, जो आज भी मानव समाज को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। कहा जाता है कि जिस भी मनुष्य ने गीता के सार को आत्मसात कर लिया, उसे ईश्वर की कृपा पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। मगर आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलते सामाजिक परिवेश में क्या भागवत की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले हुआ करती थी। जन्माष्टमी की इस विशेष संध्या पर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस भक्ति में चर्चा में सम्मिलित होने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता बुद्धिमंता दास हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कृष्ण की लीलाओं के बारे में। और साथ ही साथ महामंडलेश्वर मार्तेंडपुरी जी महाराज भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। तो चलिए अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट गाथा श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही जहाँ एक तरफ आंखों के सामने माखन खाते गोपियों और ग्वालों के साथ क्रीड़ाएं करते नटखट अबोध बालक की मनमोहक छवि उभरने लगती है, वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को विराट रूप दिखाते भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को इस बात का एहसास कराते हैं कि धर्म और सत्य की लड़ाई में कभी कभी अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है और आगे होगा, उस सब का भार मेरे ऊपर ही है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और द्वापर युग में उन्होंने कारावास में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और मामा कंस का वध करके प्राणी मात्र को ये संदेश दिया कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सभी देवी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण ही थे जो 16 कलाओं में परिपूर्ण थे और सभी शक्तियां उनके अधीन थी। वो एक सच्चे कर्मयोगी थे। गीता में उन्होंने कर्मयोग को ही सर्वोच्च साधना बताया है। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में जो भी किया उसे अपना कर्म ही समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को पूर्णतया जीते थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका पालन भी करते थे।
विजय पथ का रास्ता दिखाने वाले वे एक सच्चे मार्गदर्शक थे। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण को आज भी दुनिया महानायक का दर्जा देती है और उनके जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाती है। जन्माष्टमी उत्सव के दिन देश और दुनिया के हर छोटे बड़े मंदिर में विशेष सजावट की जाती है और कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को तो मानो दुल्हन की तरह सजाया जाता है और राधे राधे की गूंज वहां के संपूर्ण वातावरण को भक्ति का एक ऐसा समुद्र बना देती है जिसमें हर भक्त गोता लगाकर लोक परलोक की खुशियां हासिल करता है। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर माताएं अपने बाल गोपालों को कान्हा की तरह सजाती हैं। वही वेशभूषा, वही सजधज, हाथों में बांसुरी, ललाट पर मोर पंख। बाल गोपाल की इस मनमोहक छवि को देखकर हर माँ यशोदा की ही तरह खुद कान्हा की माँ होने का सुख प्राप्त करती है और गौरवान्वित महसूस करती है। जन्माष्टमी के इस पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व है क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतारों में कृष्ण ही एक ऐसे अवतार हैं जो आज के परिवेश में भी लोगों के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक होने के साथ साथ परम गुरु की भी भूमिका अदा कर रहे हैं। सर्वधर्म संगम से अंजनी बख्शी की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और श्रीमद् भागवत गीता में दी गई शिक्षाओं से हमें इस बात की प्रेरणा भी मिलती है कि एक इंसान को जीवन में कैसे जीना चाहिए और कैसे कर्मों से इंसान को दोनों जहां की खुशियां मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेहमानों से भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण व्यक्तित्व पर बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले बुद्धिमत्ता साहब, आपसे जानना चाहूंगा श्री कृष्ण भगवान जी का इतिहास क्या रहा है और मामा कंस उनका वध क्यों करना चाहते थे। हरे कृष्णा। जब भी पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हुए, धर्म का नाश हुआ, अधर्म का बोलबाला हुआ, तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि वो कब और क्यों आते हैं और जब आते हैं तो वो क्या विशेष कार्य करते हैं। तो भगवान ने बोला कि पितृणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब मैं आता हूँ, जब धर्म का विनाश हो रहा होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं अपने साधुओं को, अपने भक्तों को आनंद और प्रेम देने आता हूँ और जो असुर प्रवृत्ति के जीव हैं उनका भी कल्याण करता हूँ। उनका जो वध करते हैं वास्तव में कृष्णा उनका भी कल्याण कर रहे हैं। तो उस समय ऐसी ही अवस्था थी, पृथ्वी लोक पर बहुत धर्म की हानि हो रही थी और अधर्म बढ़ रहा था। सभी देवी देवता कांप रहे थे। तो सभी देवी देवताओं ने जब जाके ब्रह्मा जी से स्तुति की, ब्रह्मा जी स्वयं सभी देवी देवताओं को लेके कृष्ण के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और उनसे वादा किया कि शीघ्र ही मैं आने वाला हूँ, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। और रही मामा कंस की बात, तो भगवान बहुत दयालु हैं जी। उनका कोई ना शत्रु है ना मित्र, इसीलिए वो भगवान है, वो हम जैसे साधारण जीव नहीं। तो जब आकाशवाणी हुई थी कंस के लिए कि देवकी की आठवीं संतान से ही उसका वध होगा, तो कंस इतना चिंतन करता था कृष्ण का जितना एक भक्त भी नहीं करता। 24 घंटे कंस भगवान कृष्ण के चिंतन में रहता था। अच्छा। जागते हुए, सोते हुए, खाते हुए, अपनी प्रजा को देखते हुए, राजा देखते हुए भी, लेकिन चिंतन कृष्ण का चलता था और भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न थे। चाहे वो आसरी भाव से भगवान का स्मरण करता था तो भगवान को आना ही था, उसको भी दर्शन देने ही थे, चाहे उसका भाव अच्छा नहीं था। तो क्योंकि वो अधर्म का प्रतिनिधि बन गया था कंस, तो भगवान ने ये वचन दिया भगवत गीता में कि पितृणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसलिए उसका विनाश होना ही था और कृष्ण के हाथों होना था। और कृष्ण जब किसी से
युद्ध भी करते हैं, किसी का वध भी करते हैं, तो वो भगवान है, परमेश्वर है। तो एक विशेष स्तर का प्रतिद्वंदी होना चाहिए। छोटे मोटे अभी पाप होते रहते हैं तो लोग कहते हैं कहाँ भगवान है। तो उसके लिए कृष्ण शिशुपाल जरासंध जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भक्त को एक फेवरेबल भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कोई अनफेवरेबल भाव से भी अगर भगवान का चिंतन करता है कंस की तरह, तब भी भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। लेकिन हमने वैसा नहीं करना, हमने भक्ति भाव और प्रेम से ही कृष्ण को बुलाना है, ये जन्माष्टमी पे पुकारना है कि आ जाओ कृष्ण, आ जाओ, समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, अब हमें दर्शन दो, हमें आनंद दो। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर महामंडलेश्वर जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि जब कृष्ण की गाथा हो और उसमें उनकी लीलाओं का जिक्र ना हो तो कृष्ण की गाथा अधूरी सी लगती है। कृष्ण भगवान की ऐसी कौन कौन सी लीलाएं रही जिसमें उनका पूरा जो अवतार है वो प्रमाणित होता रहा? देखिए, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण आनंद अवतार है, संपूर्ण आनंद के अवतार है, और उनका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक उनकी लीला वह आनंद का सृजन करती रही। वह चाहे बाल लीला हो, चाहे युवा के रूप में हो जी, चाहे गीता के रूप में हो, वस्तुतः कृष्ण रसावतार हैं, और इसीलिए वह 16 कलाओं से संपूर्ण रसावतार, संपूर्ण कलाओं के कारण पूर्णावतार माने जाते हैं। राम भी 12 कलाओं तक सीमित माने जाते हैं कृष्ण। एक बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा जी, कि इन्होंने कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम से जानने। सतयुग में आप देखें तो देवासुर संग्राम था, देवताओं और असुरों के बीच संग्राम था जी। आप त्रेता में आ जाइए, दो राजाओं के बीच था, रावण राक्षस था, लेकिन दो देशों के बीच, दो राजाओं के बीच था। द्वापर में जो भी युद्ध हुआ है वो परिवार के बीच हुआ है, वह चाहे कृष्ण हो जी, चाहे मामा कंस हो, चाहे कौरव हो, चाहे पांडव हो। बिल्कुल। यह जो युग के साथ देवासुर संग्राम चलता है, और आज कलयुग में हर व्यक्ति के मन में देवासुर संग्राम चलता है, प्रतिक्षण हमारे मन में देवासुर संग्राम चलता है जी। इसलिए आज कृष्ण ज्यादा प्रासंगिक हैं, कृष्ण के संदेश ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज हमारी लड़ाई बाहर से ज्यादा अपने भीतर हो गई, ऐसी जो स्थितियां हैं अपने आप से। हाँ, तो कृष्ण का स्वरूप, और कृष्ण ने बहुत अर्थों में प्राचीन परंपराओं को नया अर्थ दिया, लीला का भी, लीला के रूप में भी, योग के रूप में भी, योग को भी उन्होंने नया अर्थ दिया, योगो कर्म से कौशलम, पतंजलि का जबकि चित्तस्य निरोधा था। तो आज की स्थिति में कृष्ण सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों के बाद कलयुग में एक सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में, एक संपूर्ण समेकित आदर्श के रूप में उपस्थित हैं, और जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो भगवान कृष्ण से अछूता रहता है, उनकी लीलाओं से अछूता रहता है। जीवन का कोई भी पक्ष महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो संसार में न हो। लेकिन यहाँ पर प्रेम लीलाओं की अगर मैं बात करूँ तो जो कृष्ण भगवान की प्रेम लीलाओं का भी वर्णन किया जाता है और सभी लोग उसको देखते भी हैं, तो उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, प्रभु की प्रेम लीला, पहले हम प्रेम को समझें कि जिस प्रेम के मूल में भक्ति होगी वह प्रभु की ओर ले जाएगी। राधा का वर्णन आता है और बहुत लोगों के मन में लौकिक चर्चाएं भी होती हैं। मैं एक निवेदन करूं भाटी जी जी, कि शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन में केवल 13 या 16 वर्ष तक ही रहे। अच्छा जी, अब आप 13 और 16 वर्ष के युवा, किशोर, वृद्ध, जो कल्पना करना हो कर लीजिए, और जो राधा को जोड़ना हो जोड़ लीजिए, जो गोपियों को जोड़ना हो जोड़ लीजिए। यह अपने आप में, यह तथ्य बहुत लोगों को नहीं पता है, कृष्ण उसके बाद कभी मथुरा और वृंदावन नहीं लौटे। बलराम दो बार आए, उद्धव भी दो बार आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं लौटे, वहीं बुला लिया था। लेकिन तो, महामंडलेश्वर जी, जो यहाँ पर कथाएं की जाती है, जो प्रेम लीलाओं का जिक्र होता है, फिर वो किस तरह से हुआ? देखिए, प्रेम बता रहे ना कि राधा आराधना का प्रतीक है जी। राधा शब्द का अर्थ ही है कि जो आराधना की ओर ले जाए, और आज की कथाओं में यह जरूर हो गया है कि प्रेम, भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को हम थोड़ा लौकिक स्तर पर ले आते हैं जी। जो बहुत उचित नहीं लगता, वह प्रेम अलौकिक स्तर पर है, और सृष्टि में पहली बार है कि राधा और कृष्ण
पूजित हैं, प्रेम संबंध पूजित है। हाँ, बिल्कुल, और यह प्रेम नैतिकता के अनेक धरातलों को पार करता हुआ ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। इस प्रेम की अलौकिकता को समझे बिना, इसके मूल को समझे बिना, और एक बात और निवेदन कर दूं, दर्शकों से भी बता दूं कि राधा अवस्था में कृष्ण से बड़ी थी। अच्छा जी, और राधा व्याहता भी थी, उनके पति भी थे। ये शायद आपके लिए भी आश्चर्य लगेगा। नहीं, वाकई मैं भी इस बात को पहली बार ही सुन रहा हूँ कि वो खुद शादीशुदा थी और उसके जी, बाद जी, जी, जी। भागवत में भी और जगह भी राधा अवस्था में बड़ी हैं। तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है जी, वो अलौकिकता का है, और वह जीव और ब्रह्म के प्रेम की तरह है। वो सांसारिक प्रेम के रूप में जब भी हम उसे देखेंगे तो मूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उस प्रेम को हमें उसी बड़े आदर्श के रूप में देखना होगा, तभी हम राधा कृष्ण के आदर्श को समझ पाएंगे और आज की भ्रांतियों से हम दूर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बुद्धिमंता जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो आखिरकार उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना युद्ध के लिए? बहुत ही सुंदर है, भगवत गीता आरंभ भी इसी से होती है। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक यही है और प्रथम अक्षर भी यही है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवा माम का पांडवश्चेवा किम अकरोत संजय, के प्रथम अक्षर ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, उसी से उसकी परिभाषा, उसका उत्तर उसी प्रश्न में था कि इसलिए चुना गया कि वो धर्म का क्षेत्र था। और ये युद्ध जो था ये सामाजिक या बाहरी दृष्टि से लगता है पारिवारिक था, राजनीतिक था, लेकिन ये धर्म के लिए था। वास्तव में धर्म को स्थापना करनी थी, धर्म को विजय करना था, एक उदाहरण स्थापित करनी थी कि जीवन कितना भी कठिन हो, समस्याएं कितनी भी कठिन हो, लेकिन अंत विजय धर्म की होगी और कृष्णा उनके पक्ष में होगे जहाँ धर्म होगा। और जो कुरुक्षेत्र था बहुत तप भूमि है, बहुत देवी देवता वहाँ आए, संत मुनि वहाँ आए, ब्रह्मा जी स्वयं आए वहाँ तपस्या करने जी। आज भी वहाँ सूर्य कुंड ब्रह्म सरोवर, तो बहुत पावन भूमि है वो, और वो धर्म की विजय होनी थी। तो भगवान ने भगवत गीता जो 18 अध्याय और 700 श्लोक है, लेकिन प्रथम श्लोक में ही उसका क्लाइमैक्स, उसका रिजल्ट निर्धारित हो चुका है कि विजय किसकी होगी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिनके पक्ष में धर्म होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र था और पांडव जो थे वो धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए कृष्णा पांडवों की ओर थे, क्योंकि धर्म उनकी ओर था, तो धर्म की विजय होनी थी, इसलिए कुरुक्षेत्र को विशेष थे चुना गया। अब महामंडलेश्वर, लगता नहीं कि शायद यही एक वजह रही कि कौरव और पांडवों से दोनों से एक ही रिश्ता था श्री कृष्ण का, लेकिन उन्होंने कौरवों को साथ ना देकर बल्कि पांडवों को साथ दिया? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले अभी आपने जो कहा, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जी, तो इस संस्कृत को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं, धर्म कुरु क्षेत्र क्षेत्र, कुरु शब्द का अर्थ होता है करना, कर्म का अर्थ है कुरु जी। तो कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया कि वह कर्म का क्षेत्र था, और धर्म कुरुक्षेत्र क्षेत्र यानी हम सब क्षेत्र में धर्म करें। आपने जो भी प्रश्न किया कि उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया जी, यही प्रश्न महात्मा विदुर ने कृष्ण से किया था महाभारत के युद्ध के बाद। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुमने कौरवों को इसलिए मरवा दिए कि पांडव तुम्हें प्रिय थे। कृष्ण का उत्तर था कि सुनो विदुर, सुनो महात्मा विदुर जी, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता, जहाँ धर्म नहीं हो सकता वहाँ कृष्ण नहीं हो सकता, और जहाँ कृष्ण नहीं हो सकता वहाँ विजय नहीं हो सकती। इस प्रश्न का उत्तर विदुर को भगवान श्री कृष्ण स्वयं दे चुके हैं कि मैंने सत्य और धर्म का साथ दिया था, और इसीलिए विजय भी उनकी हुई। ये तो धर्म स्तो जय, यहीं से आता है कि जहां धर्म है वहीं जय है। यह वस्तुतः कृष्ण ने बहुत साफ साफ विदुर से कहा, और विदुर बहुत महात्मा, विदुर बहुत विद्वान थे, बिल्कुल बहुत विद्वान। और यह प्रश्न उन्हीं का था, प्रश्न आपके मुख से भी निकला है, बिल्कुल ये कृष्ण का उत्तर रहा। मैं समझता हूँ यही उत्तर आपको ज्यादा उचित लगे। अब बुद्धिमंता जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूंगा मैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को जिस तरह से परिभाषित किया है, क्या आज के बदलते परिवेश में लोग उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं? आप उसे किस नजर से देखते हैं? आप जैसा महामंडलेश्वर जी ने बोला कि आज के युग में भगवत गीता कि जो शिक्षाएं और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि
आज युद्ध बाहर से नहीं है, भीतर से युद्ध है जी, बिल्कुल। सत्य असत्य दोनों भीतर हैं, सुर और असुर हर हृदय में घुस गया है असुर। तो आज के युग में भगवत गीता जो है ये थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जी। ये केवल एक धर्म या एक समुदाय के लिए नहीं है ज्ञान। कई बार हम भारतीयों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भगवत गीता एक विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए, लेकिन ऐसा एक भी शब्द भगवान ने नहीं भगवत गीता में बोला कि विशेष ये हिंदुओं के लिए है या ब्राह्मणों के लिए है या सन्यासियों के लिए। कृष्ण ने बोला ममे वंशो जीवलोके जीवा भूता सनातना, सभी जीव मेरा अंश है, सभी जीव, सभी जीव में सभी आ गए हैं ना, मेड बी अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन जी, और किसी भी कास्ट, क्रीड और कलर के हों। जीव की बात हो रही है, लिविंग एंटिटीज की, जो भी श्वास ले रहे हैं उनकी बात हो रही है, जिनमें चेतना है उनकी बात हो रही है। तो ये इसलिए प्रैक्टिकल सभी जीवों पर है। और आज जो आज से 20 साल पहले हमने सुना नहीं था तनाव जी, बिल्कुल, वर्ड स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज और स्कूल में तनाव नाम का शब्द किसी को नहीं मालूम था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो आज कितना सुसाइड रेट बढ़ गया है, 12th क्लास का रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट डे पेपर में सुसाइड के नलसेज आते हैं, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, अज्ञान है। तो उस इस दौर में सो मच क्राइम बढ़ रहा है, हम सोचते हैं कि हम आधुनिक प्रगति कर रहे हैं जी, जी, और हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, एज लॉन्ग एज वी हैव स्पिरिचुअलिज्म इन आवर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। महामंडलेश्वर जी, यहाँ आपसे भी सवाल जानना चाहूंगा, श्रीमद भागवत गीता सागर की तरह है जिसका कोई अंत ही नहीं है, बात करना चाहेंगे श्री कृष्ण द्वारा दी गई मूल शिक्षाओं की। सबसे पहले गीता का ज्ञान मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है, मगर आज क्या वाकई मनुष्य कर्म पर विश्वास रखता है? क्योंकि अक्सर देखा यह भी जाता है कि आज मनुष्य कर्म करने से पहले फल की सोचता है, तो वो सोचता है कि पहले मुझे ये निश्चित हो जाए कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा। देखिए, संसार में बिना कर्म का कोई फल है ही नहीं जी, हम चाहे जितना सोचें। और गीता वस्तुतः भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की त्रिवेणी है, और गीता को हम केवल एक जीवन की आचार संहिता से ऊपर उठकर जीवन मूल्यों के प्रतिपादन, आपने कर्म की बात की, आता है लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते जी, कर्म अनेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उनका कर्म हमारा अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। बहुत साधारण सी बात यह है कि यह जीवन एक परीक्षा है, तो क्या परीक्षार्थी के हाथ में ही मूल्यांकन का अधिकार होगा क्या? हम जो कर्म करते हैं उसका फल के मूल्यांकन का अधिकार क्या हमें ही है? और सबसे बड़ी बात गीता में जो हम भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योगक्षेम की चिंता करूंगा। अगर प्रभु जिसके योगक्षेम की चिंता करने लगे उसके कर्म, अकर्म और फल की बात शेष कहाँ रह जाती है जी। जिस समय प्रभु स्वयं प्रसाद देने के लिए उपस्थित हो जाएं और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज जी, यानी धर्म का अर्थ यहाँ रिलीजन से नहीं है, मार्ग से है, मार्ग से कि सभी मार्गों से आप अगर हमारे मार्ग पर आ जाएं, सत्य के मार्ग पर आ जाएं, धर्म के मार्ग पर आ जाएं, तो वहां परिणाम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सत्य अपने आप में फल है और धर्म अपने आप में फल की ओर ले जाता है। इसलिए गीता पहले ही फल दे देती है, ये फल निष्फल कभी, देखिए कोई कर्म कभी निष्फल नहीं होता, गीता केवल ये बताती है कि सत्कर्म को हम कैसे कर्म में बदल सकते हैं और हमारे भीतर कर्ता का भाव कैसे समाप्त हो सकता है। हम समर्पण के साथ जो कर्म करेंगे, भक्ति के साथ जो कर्म करेंगे, हमारे मूल में जब ज्ञान होगा और जो वह कर्म होगा वह हमें सतपथ पर ले जाएगा और वहाँ फल की चिंता की आवश्यकता नहीं, फल पहले से निर्धारित है। निर्धारित है, तो यानी कि सभी दर्शक हमारे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सिर्फ अपना कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि जब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर फल तो आपको अच्छा ही मिलेगा। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा अपने तमाम विद्वानों के साथ यूँ ही जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गाथा श्री कृष्ण की।
हमारी पृथ्वी जिंदा इंसान की तरह है, जिसके अंदर धड़कता है एक दिल। प्रकृति की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। प्रकृति है तो हम हैं। जब छेड़छाड़ होती है प्रकृति से, तो टूटता है कुदरत का कहर। कुदरत की इस सुंदरता में घुल जाता है जहर। कुदरत की इस देन को बचाने की आज ही से करें पहल। वृक्ष लगाएं, प्रकृति बचाएं। सर्वधर्म संगम चैनल की ओर से जनहित में जारी। धर्म, संस्कृति, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदा और महिला सुरक्षा, ऐसे तमाम धार्मिक और सामाजिक मुद्दों की गंभीर चर्चा पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपकी सोच आपका नजरिया, हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ सर्वधर्म संगम। देश में बढ़ता अत्याचार, जिंदगी इतनी नहीं आसान। यार बेटे परवरिश करके ब्याह शादी करती है, लेकिन मेरा सारा कोई नहीं। हमारे मियाँ के पास इतनी कमाई भी नहीं है, वो बीमार रहते हैं, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। दर दर की ठोकर खाने को क्यों मजबूर हो रहा है इंसान? पता नहीं मेरे को मरने के बाद में कोई कंधा भी देगा कि नहीं। जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराने जल्द आ रहा है जिंदगी एक संघर्ष, सिर्फ सर्वधर्म संगम चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आज हम बात कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की। तो बुद्धि बंता जी आपसे जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि जिस मनुष्य को गीता का ज्ञान हो गया उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत गीता में धर्म अध्यात्म और ईश्वर के बीच के जो गहरी संबंध है उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है? जी, भगवत गीता में बहुत विशेष 5 विषयों पर चर्चा हुई। हाँ। इसमें एक ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म है जी। और जो 4 जो सनातन है और जो कर्म है वो परिवर्तनशील है, हम बदल सकते हैं उसको। और ईश्वर और जीव के संबंध के बीच में भगवान ने, जैसे पहले भी हमने संक्षिप्त में चर्चा की कि भगवान ने कहा ममे मंशो जीव लोके जीवा भूता सनातना मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कृष्ति। उसका सरल सा अर्थ यही है कि भगवान बता रहे हैं कि सभी जीव मेरा अंश है, लेकिन वो मुझे भूल गए हैं, इसलिए वो भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और कृष्ण हमारे परम पिता हैं जी। अगर हम अपने परिवार का भी, आजकल बच्चे फैमिली ट्री बनाते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, उसके पिता का नाम, उसके पिता का नाम, अगर हम फैमिली ट्री भी बनाएं तो सभी परिवारों का जो मूल है वो स्रोत कृष्ण का ही खत्म होगा। तो हमारे आदि हैं, हमारे पिता हैं। तो पिता कभी भी अपने पुत्र को संघर्षशील नहीं देखना चाहता। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे भूल गए हैं, मुझसे संबंध जी टूटा नहीं है उनका, लेकिन विस्मृत हो गया है। और जैसे ही जीव को पुनः स्मरण आता है अपने भूले हुए संबंध का भगवान के साथ, तभी उसको मोक्ष मिल जाता है, उसकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। कोई मोक्ष कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट नहीं है, कोई मोक्ष ऐसी अवस्था नहीं है जो एक सर्टन समय पर आएगी। जब आप श्री कृष्ण भगवान को भूल जाते हो और जीव अपना संबंध भगवान से भूल जाता है, वो चिंताग्रस्त रहता है। और जैसे ही वो पुनः स्थापित करते हैं अपना भूला हुआ संबंध भगवान के साथ, ज्ञान के वश में आकर भगवत गीता
का उपदेश मानकर तो वो फिर आनंद में हो जाता है और वो अवस्था उसकी मोक्ष की है, मोक्ष की अवस्था होती है वो। चलिए महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। आज के सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान सदैव उपयोगी रहा है। समय समय पर गीता के ज्ञान ने हमारा मार्गदर्शन किया है, लेकिन आज के बदलते सामाजिक परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने जो शिक्षाएं दी हैं, क्या वो उतनी ही प्रासंगिक हैं? देखिए, जीवन के शाश्वत मूल्य कभी नहीं बदलते जी। जो जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, अभी आदरणीय बुद्धिमंता जी हमारे मोक्ष की बात कर रहे थे, बिल्कुल। मोक्ष शब्द का अर्थ बहुत साधारण है, मोह का क्षय हो जाना। और हमारे यहाँ 11 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं, जिसमें से 3 सशरीर प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, अभी आपने जो प्रश्न किया कि 5000 वर्ष पूर्व या इसके पूर्व भी, हमारा सनातन बहुत प्राचीन, बहुत लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों का है, लेकिन जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वह नहीं बदलते। यानी पिता और पुत्र का संबंध नहीं बदलता, माता और पुत्र का संबंध नहीं बदलता, और उस युग की आवश्यकता जो थी, जो भी अवतार होता है, जो भी महापुरुष होता है, वो आने वाले समय के भविष्य के दृष्टि में रख करके अपनी बात करता है, और इसीलिए वह महापुरुष माना जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि वर्तमान से बहुत आगे होती। गीता केवल महाभारत के लिए नहीं थी जी। गीता वस्तुतः संपूर्ण मानवता के लिए और मानवता के अंत तक के लिए एक शाश्वत और मूल संदेश का स्वर है, क्योंकि देखिए हमारे प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र, गीता और शंकर का भाष्य 3 ही माना जाता है। तो गीता का जो मूल है वह कभी भी पुराना नहीं होगा। देखिए, सनातन निरंतर है, चिरंतन है, पुरातन नहीं है। तो गीता किसी दृष्टि से पुरातन नहीं है, बल्कि हमारा अनुभव है, आज देश विदेश का अनुभव है कि गीता का जो ज्ञान है, गीता का जो मूलभूत सार है जी, आज के समय में अधिक उपयोगी है और लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, कर रहे हैं उसका उपयोग भी। अब बुद्धिमंता जी, आपसे जानना चाहूंगा, श्री कृष्ण ने जो मूल शिक्षाएं दी उनमें ब्रह्म भावना द्वारा सम दृष्टि भी शामिल है, अर्थात सारे संसार को समान दृष्टि से देखना। श्री कृष्ण ने कहा है कि सदैव ध्यान रखो कि संसार में एक सर्वव्यापी ब्रह्म है जो सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन आज क्या वाकई व्यक्ति सारे संसार को समान दृष्टि से देखता है? नहीं देख पाता, कारण अज्ञान है। भगवत गीता का उपदेश नहीं मानते, गीता को हम भूल रहे हैं। पूरे विदेशी देश जो आज है, सभी भारत भूमि पर आ रहे हैं, हमारा ज्ञान, हमारी सभ्यता, हमारे सिद्धांत सीखने और अपने देश में वापस जाके सिखाने, क्योंकि वो सब कुछ प्रयास कर चुके और विफल हो चुके हैं। और वो दुर्भाग्य है कि हम, हमारे पास जो संपत्ति है जी, अनमोल रत्न जो हमारे हैं, उनको हम भूल रहे हैं। और इसको भी यही प्रयास कर रहा है, हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर कॉर्पोरेट लेवल पर भी भगवद गीता का प्रचार करते हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाते हैं मिलने, तो दूसरे प्रधानमंत्री को, दूसरे देश के मित्र राष्ट्रपति पिता को भगवद गीता ही तोहफा देते हैं, और बोलते हैं कि इससे बड़ा तोहफा मेरे पास देने को है नहीं, कुछ नहीं, और तुम्हारे पास इससे बड़ा लेने को कुछ है नहीं। तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को कितना मोल जानता है भगवत गीता का। और तो जो आजकल अभी उत्तर बिल्कुल, तो जो एक दृष्टि से हम नहीं देख पाते वो अज्ञान वश है। जबकि कृष्ण ने बोला कि पंडिता समदर्शिना, जो ज्ञानी है, जो भगवत गीता का ज्ञान जिसको हो गया वही समदर्शी हो सकता है। कैसे? कि वो सभी शरीरों को शरीर रूप में नहीं देखता, वो उसके भीतर आत्मा देखता है, जो सम है, जो समान है। आत्मा सबकी जो है वो शुद्ध है, निर्मल है, कृष्ण का अंश है, सभी की आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन वो अज्ञान से नहीं देख पाएगा। उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए होंगे, उसके लिए चक्षु शास्त्र के चाहिए होंगे, वेद के, भगवत गीता के चक्षु से अगर देखेंगे तभी हम सबको समान दृष्टि से देख पाएंगे, और फिर समाज में, घर में, देश में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई कलमश नहीं रहेगा। जब हम ये देख लेंगे ये सब शरीर नहीं है, सब आत्माएं हैं, तो कोई किसी को मारने की बात तो दूर है, किसी का हृदय को भी नहीं ठेस पहुंचाना चाहेगा। जात पात धर्म ऊंच नीच इस सब से दूर हट जाएंगे। वो शरीर के स्तर की, हम आत्मा की बात कर रहे हैं जी, जो ज्ञान सिखाएगा भगवत गीता का ज्ञान। चलिए यहाँ पर महामंडलेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत गीता में धर्म और अधर्म का जिस तरह से वर्णन किया गया है,
जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म को मार्ग दिखाते हुए शरीर और आत्मा के भेद के बारे में बताया, धर्म और अधर्म के बारे में बताया, और अर्जुन ने युद्ध के लिए अर्जुन को उन्होंने प्रेरित किया था। आपको नहीं लगता कि युद्ध के आधार पर धर्म के मार्ग पर चलना कहीं ना कहीं अधर्म को ही बढ़ावा देता है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं जी, और शास्त्र के अनुसार शस्त्र उठाना कभी अधर्म नहीं है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं, इसलिए शस्त्र उठाना, असुरों का वध करना, अधर्मियों का वध करना, यह अधर्म नहीं है, यह धर्म की रक्षा है। और सबसे बड़ी बात है, गीता में खाली उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, अर्जुन को भी अपना उन्होंने पूर्ण रूप के दर्शन दिए और साथ में एक बड़ी बात कह दी कि तू इन्हें क्या मारेगा, मैं इन्हें पहले मार चुका हूँ, तू तो लीला कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता है कि उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखा दे और कह दे कि इनको तो पहले ही मैं मार चुका हूँ, तू तो लीला कर, अपने धर्म का निर्वाह कर, अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर। इससे बड़ा संदेश संसार में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन महामंडलेश्वर फिर वहां छल क्यों किया? जब कर्ण का वध किया था अर्जुन ने तो वो एक छल भी था। वो तो देखिए ऐसा है कि युद्ध कौशल और नीति के अंतर्गत चलता है, बिल्कुल, और खाली यह द्वापर में ही नहीं हुआ है, त्रेता में भी हुआ, राम ने बाली का वध किया, बिल्कुल। तो धर्म के मार्ग को पाने के लिए और उसके वध के लिए नीतिगत, देखिए कृष्ण और राम में यही बड़ा भारी अंतर है, कृष्ण कुशलता के नीति के प्रतीक हैं और चतुरता के प्रतीक हैं, व्यवस्था के प्रतीक हैं जी। तो कहीं भी युद्ध में इस प्रकार की जब भी भूमिका हुई, हमें लगता है कि यह गलत है, लेकिन उस समय के अनुसार, युद्ध के अनुसार, युद्ध की नीति के अनुसार वो आवश्यक है। अब आप एक बात देखिए ना, एक समय क्या था, क्या द्रौपदी का चीरहरण नीतिगत था, धर्मगत था? बिल्कुल धर्मगत नहीं था। जुआ खेलना धर्मगत था? बिल्कुल नहीं था। तो अगर उस अधर्म से उत्पन्न कार्य के लिए अगर थोड़े, लेकिन जुआ में तो पांडव भी शामिल थे, खुद युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने खेला था। खेला था, गलत किया था उन्होंने जी, यह गलत था। और यह भी गलत था कि उस समय बाकी लोग जो बैठे हुए थे उन लोगों ने उस पर बोला नहीं, चुप रहे और उनकी सजा भुगती, और यही नीति के लिए आवश्यक था। अभी आपके प्रश्न का उत्तर भी यही आके खड़ा होता है कि अधर्म के समय उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया, इसलिए उनको मारने में अधर्म कुछ भी नहीं था जी। और यही एक वजह रही कि छल का भी वहां पर सहारा लिया गया और लेकिन अधर्म का नाश वहां पर किया गया। बुद्धिमंता जी, आपसे जानना चाहूंगा, गीता के अनुसार आत्मा अजन्मी है, अगर आत्मा अजन्मी है तो फिर पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है और स्वर्ग नरक का आत्मा से नाता क्या है? जी, शरीर हमारा जो भौतिक है जी, लेकिन जिसके अंदर जो आत्मा, जो क्रियाशील है, जो चेतना है, वो आध्यात्मिक है। भगवान की कई शक्तियां देखते हैं कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है, भगवान की बाहरी शक्ति जो दुर्गा देवी है, आंतरिक शक्ति जो है वो राधा रानी है जी, और हम तटस्थ शक्ति में आते हैं, हम बीच में हैं। हम जीव जो है वो शरीर उसका भौतिक है और चेतना उसकी आध्यात्मिक है, तो वो चूज कर सकते हैं वो किस तरफ जाए। वो जो एक मानव शरीर बहुत ही रेयर मिलता है, मानव शरीर एक जंक्शन की तरह है जी, उससे जीव निर्धारित कर सकता है कि अपने कर्मों के अनुसार वो ऊपर भी जा सकता है और निम्न योनि में भी जा सकता है और भगवत धाम भी जा सकता है मुक्त होकर, तो उसकी च्वाइस है। छोटी सी एक स्वतंत्रता दी है कृष्ण ने सभी आत्माओं को जी, बड़ी छोटी सी, क्या, डिसीजन लेने की, लेकिन वो बड़ी माइन्यूट स्वतंत्रता है, उसमें कृष्ण भी हस्तक्षेप नहीं करते। अगर उसमें श्री कृष्ण हस्तक्षेप करें तो फिर भक्ति और प्रेम का कोई मामला ही नहीं रहेगा। कृष्ण चाहते तो जबरदस्ती भगवान है, वो सबको भक्त बना सकते थे, बिल्कुल, लेकिन वो चाहते हैं जीव स्वतः अपनी इच्छा से उनकी शरण में आए, उनकी भक्ति को पुकारे, उनसे प्रेम की अभिलाषा करे, तो कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो जो आपने पूछा कि स्वर्ग और नरक क्या है, तो जीव अपने कर्मों के अनुसार अगर बहुत पुण्य कर्मों में लग जाएगा जी, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, तो उसका फल भुगतने के लिए उसको फिर से शरीर लेना पड़ेगा। वो शरीर
हायर प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोकों में मिल सकता है, जहाँ फिर उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में गुजरना पड़ेगा। मुक्ति वहां भी नहीं है, कृष्ण प्रेम वहां भी नहीं मिलेगा। और अगर वो पाप कम करेगा, कर्म करेगा, तो उसको पाप योनियां भुगतनी पड़ेंगी, नरक लोकों में जाना पड़ेगा, हेलिश प्लैनेट जिसको बोलते हैं। केवल कृष्ण की भक्ति से ही जीव जन्म मृत्यु के संसार चक्र से निकल सकता है, छोड़ सकता है और मोक्ष उसको प्राप्त। जब भी जन्माष्टमी आ रही है उसके उपलक्ष में बड़ा सुंदर ये प्रश्न है। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेतिमम एति सो अर्जुना, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है अर्जुन, ये दिव्य है, इनको जो समझ ले। जैसे मेरी जन्माष्टमी आ रही है, ये साधारण हैप्पी बर्थडे नहीं है जैसे हमारा होता है जी। हम मजबूर किए जाते हैं, हम पसंद नहीं कर सकते कि हम किसके परिवार में जन्म लें, हमारे माता पिता कौन हो, हम किस देश में जन्म लें, हम किस काल में जन्म लें। कृष्णा आत्मा माया है, वो अपनी स्वयं इच्छा से आते हैं, वो स्वयं निर्धारित करते हैं कि इस लीला में मेरे माता पिता कौन होंगे, मैं किस स्थान में जाऊंगा, मैं क्या लीला करूंगा। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म साधारण जन्म नहीं है, जन्माष्टमी है, इसको समझ ले हम सब। मेरे दिव्य है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। और जो जीव इसको तत्व से समझ लेता है, तत्व से जी, ज्ञान चक्षु से, शास्त्र चक्षु से, फिर उसको पुनर्जन्म न विद्यते हैं। नहीं, ऐसे जीव को फिर कभी पुनरपि जन्म पुनरपि मरण में नहीं आना पड़ेगा। हाँ। और वो मेरे धाम आएगा, धाम चले जाएंगे वो। अब महामंडलेश्वर जी आपसे जानना चाहूंगा, माया से स्वयं को मुक्त करने का अर्थ क्या है? बहुत गंभीर प्रश्न आप कर रहे हैं जी। और ये सृष्टि के आदिकाल से लेके अब तक माया, ब्रह्म और माया, इसी पर चर्चा होती रही है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अनेक सिद्धांत आए। वस्तुतः जो कुछ सृष्टि में आपको दिखाई दे रहा है जी, माया का अर्थ है जो सत्य न हो। और सत्य का की परिभाषा केवल एक है कि जो परिवर्तित नहीं हो। जो परिवर्तनशील है वह माया है। और तुलसीदास जी ने बहुत कहा कि मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तो माया जो आपके विस्तार को आपको जो दिखाई दे रहा है, जो सत्य नहीं है वो माया है। जो परिवर्तनशील है संसार में वह सब माया है, और जो परिवर्तनशील नहीं है, ब्रह्म है, प्रभु है, वह माया नहीं है। तो जो कुछ आप देख रहे हैं यह माया है, लेकिन इस माया का विरोध नहीं है। माया का विरोध इसलिए नहीं कि माया को जिस क्षण आपने समझ लिया और माया का उपयोग कर लिया जी, तो माया का उपयोग करके भी सत्य तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत से मार्ग हैं, और कृष्ण ने भी लीलाएं की, वो लीला भी माया ही थी। वो चाहे तो भाई गोवर्धन में सबकी उंगलियां नहीं लगवाते जी, बिल्कुल अकेले नहीं उठा सकते थे क्या? हाँ। लेकिन उसके पीछे उनका अर्थ था कि जब कभी जीवन में कष्ट आए तो सबका हाथ लगवा दो तो कष्ट कम हो जाता है। अच्छा, कृष्ण का एक एक कार्य आप देखेंगे तो उनके पीछे बहुत से अर्थ हैं जिन पर वस्तुतः व्याख्याएं नहीं हुई। आज एक दुर्भाग्य हुआ, इस हालांकि मौका नहीं है कि कृष्ण का केवल हम भक्ति पक्ष और शास्त्र पक्ष पर ही सीमित रह गए हैं। उनकी जो वैज्ञानिक व्याख्याएं होनी चाहिए और जो शास्त्र से के सीमा से ऊपर उठकर जो वर्तमान संदर्भ में होना चाहिए वह थोड़ा कम हो पा रहा है। कृष्ण हमारे जीवन के आधार हैं, बिल्कुल, और कृष्ण मूल आधार हैं, और माया कुछ नहीं है। जिस क्षण कृष्ण आपके भीतर हो, जिस क्षण आप माया को समझ लें, बिना माया के कुछ नहीं होता। यहाँ पर बुद्धिमंता जी ये भी कहा था कि श्री कृष्ण का जब अंत हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, उसी वक्त कलयुग की शुरुआत हुई, वो कैसे? ये चार युग आते हैं, नेचुरल एक साइकिल है, वेदों की रचना ऐसी है, सृष्टि ऐसे बनती आई है, ये कोई प्रथम बार कलयुग नहीं आया, ये साइकिल चलता रहता है। और तब भगवान की लीला में भगवान ने जो जो करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, और उसके बाद जैसे हमने बताया कि भगवान का जो वास्तव में हम बोल देते हैं जन्म हुआ या मृत्यु हुई, तो बड़े ये अशोभनीय शब्द हैं और ये शास्त्रीय दृष्टि से गलत भी हैं। तो टेक्निकली अगर बोला जाए तो कृष्णा अपीयर्स एंड कृष्णा डिसअपीयर्स, भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं। हमारा शरीर है तो इसको वृद्ध अवस्था झेलनी पड़ती है, उसको फिर रोग लगते हैं, फिर उसको मृत्यु प्राप्त होती है और फिर से नया देह मिलती है कर्मों के अनुसार। लेकिन कृष्ण जो है वो आनंद चिन्ह में,
ब्रह्मा जी बहुत अच्छी स्तुति करते हैं भगवान की और बहुत अच्छा स्वरूप बताते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चित आनंद विग्रहा अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण सभी कारणों के कारण है। उनका शरीर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पैर में तीर लगा तो उनकी मृत्यु हो गई। जी भगवान के शरीर और आत्मा में भेद नहीं है, कृष्णा एक है, आत्मा और शरीर एक है उनका, लेकिन हम दो हैं क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है, हम में दो चीज अलग अलग है, आत्मा और शरीर। लेकिन कृष्णा का चिंतामणि आनंद में रूप है, तो भगवान जब चाहते हैं अपनी लीला समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने निर्धारित किया कि अब मैं लीला समाप्त करूंगा, द्वापर युग का अंत होगा और कलयुग आरंभ होगा, तो वो होना था। यहाँ पर मामंडलेश्वर जी आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर आखिरकार कृष्ण की बसाई हुई जो द्वारका थी वो कैसे नष्ट हो गई, वो अब नहीं है, उसकी क्या वजह रही? देखिए पहले मैं कलयुग पर अगर आपकी आज्ञा हो। जी बिल्कुल जरूर जरूर। कृष्ण का एक संदर्भ बहुत ही आवश्यक है। राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट से कलयुग का प्रवेश हुआ था और कलयुग की बड़ी चर्चा हो रही थी। पांडव परिवार पहुंचा कृष्ण के पास और इच्छा व्यक्त की। देखिए सबसे बड़ी बात है, पांडव परिवार मुझे इसलिए प्रिय है जी कि जब भी उस पे संकट आए तो कृष्ण उसके साथ रहे, और यही कृष्ण का संदेश है कि तुम हमारे हो जाओ तो हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। तो पांडवों ने इच्छा व्यक्त की, कलयुग की बहुत चर्चा हो रही है, कलयुग क्या है? तो भगवान कृष्ण ने उन लोगों से कहा कि आप चारों दिशाओं में जाओ और जो कुछ अतिरिक्त दिखे, विशेष दिखे, लौट के बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कलयुग क्या है। सबसे पहले युधिष्ठिर लौटे। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु हमने जो देखा, विश्वास नहीं होता कि एक घड़े को ढक्कन से पहले भरा गया जी, और फिर उस घड़े से जब ढक्कन को भरा जाने लगा तो ढक्कन नहीं भरा। प्रभु ने कहा बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद अर्जुन और भीम आए, कहें प्रभु हमने जो देखा, विश्वास नहीं होता, एक तालाब का पानी निकल रहा था बाहर जी, बगल में खाली तालाब था, उसमें न भर कर वह तीसरे तालाब को भर रहा था। कृष्ण ने कहा तुम भी बैठ जाओ। थोड़ी देर में नकुल सहदेव लौटे, कहने लगे कृष्ण हमने जो देखा, विश्वास नहीं होता कि श्वेत हंसों के पंखों पर वेद की ऋचाएं अंकित हैं और वो मनुष्य के मांस का भक्षण कर रहे हैं। लास्ट में द्रौपदी लौटी। द्रौपदी ने कहा कि हमने जो देखा कृष्ण, वो कृष्ण ही कहती थी, कृष्ण मुझे विश्वास नहीं होता कि बड़े बड़े पर्वत के शिलाखंड टूट कर चले आ रहे हैं और मार्ग में जो भी उनके मार्ग में भवन अट्टालिका वृक्ष वह तोड़ते हुए ध्वस्त करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर आकर वह दूब के तिनकों पर टिक जाते हैं। कृष्ण ने कहा देखो यही कलयुग है। युधिष्ठिर तुमने देखा कि घड़े से ढक्कन नहीं भरा, कलयुग में माता पिता पुत्र का बहुत कुछ करेंगे, संतान का करेंगे, जिन संतानें संतुष्ट नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अर्जुन भीम तुमने देखा कि तालाब बगल को नहीं भर रहा था, कलयुग में भाई भाई की मदद न कर, तीसरे पर करेगा। नकुल सहदेव तुमने श्वेत हंसों पर वेद की ऋचाएं देखी, मांस भक्षण देखा, कलयुग में वेद पुराण जानेंगे सब लेकिन उसका आकलन नहीं करेंगे, आचरण नहीं करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो अगला मैं कहने जा रहा हूँ कि द्रौपदी तुमने देखा कि शिखर खंड टूट कर चले आ रहे हैं और दूब के तिनकों पर टिक जाते हैं। द्रौपदी कलयुग में मूल्यों के मानक टूटेंगे लेकिन और ध्वस्त करेंगे मानवता को, लेकिन फिर भी कलयुग में पृथ्वी पर कुछ ना कुछ ऐसा शेष रहेगा जो उसे रोक लेगा। मैं समझता हूँ कि यह सनातन धर्म भगवत गीता उसके प्रति ही कृष्ण का संदेश था। कलयुग कभी भी पूरा नहीं होता। अच्छा, कलयुग का कलिशयानुभवत संज्ञानस्तु द्वापर पुत्र शस्त्रेताभवत कृतम संपद्यते चरण, यानी व्यक्ति जब सोता है तो कलयुग होता है, जागता है तो द्वापर है, खड़ा होता है तो त्रेता है, और अच्छे कर्म पर जब चलने लगता है तो सतयुग है। तो कृष्ण का संदेश वस्तुतः जिस क्षण हम कृष्ण की कल्पना करते हैं, स्मरण करते हैं, हुए जरूर वो द्वापर में हैं, लेकिन हमारे सामने सतयुग उपस्थित होता है संपूर्ण अर्थों में।
लेकिन यहाँ पर द्वारका का मैंने जिक्र आपसे किया था, उसके बारे में जरूर जानना। द्वारका पर मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, जहाँ आकार है वहाँ विकार है, जहाँ निर्माण है वहाँ ध्वंस है। और कृष्ण भी अकेले द्वारका ही उनकी नहीं गई, कृष्ण यादव वंश को भी नहीं बचा पाए थे। आप ध्यान से अगर देखें तो कृष्ण अपने वंश को भी नहीं बचा पाए थे, वंश भी उनका युद्ध के बाद समाप्त हो गया, उनको शाप भी था, शापित भी थे। तो द्वारिका उन्होंने बसाई थी। और एक मजेदार बात बताऊं कि द्वारिका शब्द का अर्थ आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये शब्द ऐसे बना, कृष्ण ने सारे यदुवंशियों को वहां बुला लिया था और रातों रात विश्वकर्मा से कह के द्वारिका की रचना कराई। तो जब सुबह लोग उठे तो दरवाजा ढूंढ रहे थे, तो संस्कृत में बोलने लगे द्वारका द्वारका, यानी द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो द्वारका बन गया। तो द्वारका भी अभिशप्त थी, द्वारका रक्षा के लिए बनी थी, द्वारका अभिशप्त थी, द्वारका फिर सुनामी है जिसमें भी कह लीजिए, द्वारका भी गई जी, गए कृष्ण भी, लेकिन ये सब लीला का अंश मान करके ही चलिए कि जो बनता है, जहाँ आकार है वहाँ विकार होगा और नव निर्माण के लिए ध्वंस भी होगा। ये तमाम लीलाएं पहले श्री कृष्ण ने रची थी और उन्हीं को वो पारण कर रहे थे, उन्हीं पर वो चल रहे थे। बुद्धिमंता जी, कहा जाता है कि भागवत गीता जीना सिखाती है, इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है? आज के आधुनिक जीवन शैली में कितनी ज्यादा आवश्यकता है इन शिक्षाओं को अपनाने की, और क्या आज भी बदलते सामाजिक परिदृश्यों में इसकी महत्वता बरकरार है? जी, आज और भी अधिक महत्व है भगवद गीता का, क्योंकि समस्याएं बढ़ गई हैं। लेकिन जैसे हमारे साथी मंडलेश्वर जी ने कहा, प्रभु जी ने, कि मूल जीवन आज भी वही है जो लाखों वर्ष पूर्व था, तब भी सबकी समस्या मूल यही थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम। तो आज भी मूल समस्या वही है जो अर्जुन की भी थी 5000 वर्ष पूर्व, आज हमारी भी है। तो आज भी भगवद गीता आज महत्व अधिक है, क्योंकि समस्याएं बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, इसलिए भगवद गीता का आज उपयोग अधिक है। तब अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कृष्णा से कि चंचलम ही मना कृष्णा ब्रह्माति बलभद्रम, हे केशवा, हे कृष्णा, मैं बहती हुई हवाओं का रुख मोड़ सकता हूँ, मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, मंत्र उच्चारण से एक बाण छोड़ूंगा तूफान की दिशा पलट सकता हूँ, लेकिन अपने मन को नियंत्रित कैसे करूं? बलभद्रम चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्णा, ये मन बहुत चंचल है, बहुत हटीला है, क्या करूं? तो जब अर्जुन जो बहुत बड़े योद्धा थे, युवराज थे, बिल्कुल शास्त्र नीति का ज्ञान था, भगवान के भक्त भी थे, उनकी ये अवस्था थी, तो आज कलयुग के हम साधारण व्यक्ति की तो क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। चलिए, आज मन को नियंत्रण करने के लिए बहुत अधिक प्रयोग है भगवत गीता का, कि मन को उसकी महत्वता ज्यादा बढ़ चुकी है, ज्यादा बढ़ चुकी है। महामंडलेश्वर जी, यहाँ पर एक अंतिम सवाल और आपसे चाहूंगा। आपने चूंकि शाप का जिक्र किया था, तो गांधारी ने भी शराप दिया था श्री कृष्ण जी को, बिल्कुल दिया था, उसके बारे में जरूर मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि गांधारी को कृष्ण ने सब बहुत प्रचलित कथा है, शाप दिया था कि तुम्हारा भी वंश कृष्ण शेष नहीं रहेगा। और एक जो मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जीवन में दो बार अपने गुरु से जो प्रसाद मांगा, जो आदेश मांगा, जब संदीपन गुरु के आश्रम से निकल रहे थे तो उनसे कहा गया कि तुम आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो, वहां भगवान कृष्ण ने मांगा था कि मैं जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा कर सकूं। दूसरी बार उन्होंने उनको भगवान कृष्ण को संतान विलंब से हो रही थी तो सांब शिव की उपासना की, सांब शिव प्रकट हुए, वहां भी उन्होंने पहला वर जो मांगा है वो यही कि मैं जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा कर सकूं। उनके मन में माता पिता और स्त्री समाज के प्रति बहुत सम्मान था। वो चाहते उस शाप को रोक सकते थे, लेकिन वह भी लीला का अंश ही था और उन्होंने इसे स्वीकार किया। यह बताता है कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी जब कोई ऐसा कर्म करता है जिसमें कई अधर्म का लेश मात्र भी कहीं कोई अंश होता है जी, तो उसको भी उसका फल भुगतना ही पड़ता है। पड़ता है, वह शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, कोई या हम आप हो,
अच्छा कोई भी हो उसमें। अच्छा चलिए, कार्यक्रम का एक अंतिम सवाल बुद्धिमंता दासी मैं आपसे जानना चाहूँगा। श्री कृष्ण ने जो पांच मूल शिक्षाएं दी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिन चीज़ों को तुम अपनाना अपना कहते हो उसे उस दिव्य शक्ति को समर्पित कर दो और उस समर्पण को सार्थक बनाओ। इसका अर्थ क्या है, किस चीज़ के समर्पण के लिए यहाँ पर जिक्र किया है श्री कृष्ण ने? भगवद गीता के 9वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक आता है 27वां, यत करोषि यद अश्नासी यद जोहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेया तद कुरुषु मद अर्पणम। तो पांच चीजें भगवान बड़ी सुंदर बता रहे हैं कि यहाँ कर्म योग और कर्म कांड की भी तुलना हो जाती है कि कर्म तो जीव को करना ही है लेकिन अपने लिए करेंगे, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे तो बंध जाएंगे। जीव ऑलरेडी बंधा हुआ है, बंधन पहले है हमें और बंध जाएंगे। वही कर्म अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे, कृष्ण से जोड़ देंगे जी किसी तरह भी, तो वो कर्म योग बनेगा। योग मतलब जुड़ना, कृष्ण से जुड़ना ही योग है कर्म योग, नहीं तो वो कर्म कांड बन जाएगा। तो ये भगवान ने बोला जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मेरे लिए कर्म करो, कुछ खाना पड़ेगा मुझे अर्पित करके, साधारण भोजन मत करो पाप में फंस जाओगे, पहले ही फंसे हो प्रसाद खाओ, जो तपस्या करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, कुछ दान पुण्य देना चाहते हर सभ्य व्यक्ति मेरे लिए दान करो। तो जो भी भगवान ने बोला, जो भी करना मेरे लिए करो, तो वो कर्म फल मैं ले लूंगा, मैं रक्षा करूंगा और तुम्हें केवल प्रसाद मिलेगा, आनंद मिलेगा और फंसोगे नहीं, तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये शिक्षा भगवान की। आप लोग यहाँ पर आए और आपने पूरी इस चर्चा को भक्ति में बना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों विद्वानों का। अंत में यही कहना चाहेंगे कि संपूर्ण मानव समाज का सच्चा मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दुनिया को जीवन जीने का अलग नजरिया दिया है। श्रीमद् भागवत गीता के जरिए हमें ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच कायम रखने की सीख देती हैं, और जिस भी व्यक्ति ने इन शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया वो ही परमात्मा के निकट पहुंच सकता है। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।